यहाँ पे 300 लगभग आर्टिस्ट हैं और 3500 पेंटिंग्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और हर चीज़ एक दूसरे से अलग है. जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये एकदम चीज़ अलग है. सो काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे एक अमेलगमेशन है आपका ओल्ड मास्टर्स के बीच में और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बीच में. तो यहाँ पे एक फ़ायदा भी हो जाता है, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, जो आज के लोग हैं, उनको जो ओल्ड मास्टर्स हैं उनसे सीखने को भी मिल जाता है. और काफ़ी लोग जो आर्ट लवर्स हैं, जो एंथुजियास्ट हैं, जो जिन्हें आर्ट से प्यार है और आर्ट डीलर्स हैं, उनके लिए भी बहुत चीज़ें, अलग अलग लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना और नए लोगों को उन पुराने लोगों से मिलने का अमेलगमेशन बहुत अच्छा मिश्रण हो जाता है यहाँ पे. दूसरी चीज़ ये हो जाती है यहाँ पे हर तरीके का, जैसे नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं आपकी, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी एंडेवर्स हैं, और मतलब इतनी सारी चीज़ों का लैंडस्केप्स हैं, इतनी सारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं. तो आपको हर जगह, आप जहाँ जाएंगे आपको एक नया टैलेंट मिलता है. सो मेरे जैसा इंसान, टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना आर्ट के अंदर नहीं हूँ, बट जब यहाँ पे आता हूँ तो मतलब मैं ही सारों की पिक्चर्स खींच रहा हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है मैं ये सब नहीं कर सकता. बट क्यूरियोसिटी होती है कि इतना टैलेंट भरा है हमारे यहाँ पे कि हर जगह का, पूरे देश का टैलेंट यहाँ पे आया है. तो आप जब मिलो, जिससे मिलो, एक नया फील होता है, एक नई वाइब होती है, एंड थैंक्स टू हिम ये सब एक्सपीरियंस हमें करने के लिए मिल रहा है. और यही मज़ा है, यही आर्ट है. तो यहाँ अगर कोई आता है तो ट्रू मीनिंग आर्ट का दिखेगा आपको. सो आई एज इन सजेस्ट एवरी वन हु एवर इज़ इन टू आर्ट, हु लव्स आर्ट, टू कम टू दिस प्लेस. एंड इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस अकॉर्डिंग टू मी, इट हैज़ अ वेरी स्पेशल वाइब. So yeah, so thanks to him, yeah.